आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना की घोषणा। भारतीय मूल के ऋषि सनक ने गवाया मौका। नगर निगम चुनाव की वर्षगांठ आंदोलन से मनाई गई। नाइक बंधुओं ने बनाया कपिलेश्वर मंदिर का अद्भुत नज़ारा। गणेशोत्सव के लिए बारिश में भी भक्तों का अपूर्व उत्साह। विधायक अभय पाटिल की पहल से व्यायाम शालाओं के लिए उपकरणों का वितरण। S. Chennabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Ha, sukh karta, dukh harta, varta, vignachi, purvi purvi prema, krupa jayachi, sarvangi sundara, utishenduraachi, kanti salke mala, mukta phadaachi, jay dev, jay dev. और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शिक्षक दिवस पर नई पंतप्रधान श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों को आधुनिक बुनियादी सुविधाएं जैसे प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा प्रतिबिंब इन स्कूलों में दिखेगा। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर यह घोषणा करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये स्कूल शिक्षा के आधुनिक अद्यतन और व्यापक तरीकों को अपनाएंगे। शिक्षण का तरीका बच्चों में जिज्ञासु और जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आया है। मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन स्कूलों से छात्रों को लाभ होगा। भारतीय मूल के ऋषि सनक ने गवाया मौका। ब्रिटेन की विदेशी मंत्री लीज ट्रस ने सोमवार को भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सनक को हराकर हुजूर पार्टी में अपने नेतृत्व को प्रस्थापित कर दिया। हुजूर पार्टी के सदस्यों ने ऑनलाइन और डाका द्वारा 172,437 से अधिक वोट डाले। ट्रस ने इसमें अपने प्रतिद्वंदी सनक को हराया। ट्रस अब ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। सनक के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बनने की ऐतिहासिक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ट्रस की जीत ने सुनक के प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। हालांकि ट्रस की जीत हुई, उनकी जीत ऐतिहासिक नहीं है, ऐसी टिप्पणी बीबीसी समाचार चैनल ने की है। सनक जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने देश के सामने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कर वृद्धि योजनाओं को लागू किया था। ट्रस ने इसे वापस लेने का वादा किया था। माना जाता है कि इस आश्वासन ने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई है। नगर निगम चुनाव की वर्षगांठ आंदोलन से मनाई गई। नगर निगम के चुनाव पिछले साल में सितंबर की 6 तारीख को हुए थे। उसको एक साल बीत चुका है। एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। वही पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो सका। इसको लेकर पार्षदों में भारी रोष जताया जा रहा है। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में जाकर विरोध करने वाले पार्षदों को रोका गया। साथ ही इन पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उन्हें अपनी राय रखने का मौका नहीं दिया गया। पिछले साल नगर निगम चुनाव के नतीजे 6 सितंबर को घोषित किए गए थे, जिसके बाद एक महीने के भीतर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन लगभग एक साल बीत चुका है। इसलिए पार्षदों ने सवाल उठाया है कि हम पार्षद है या नहीं। इस बात पर अधिकारियों से बताया गया है कि सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नाइक बंधुओं ने बनाया कपिलेश्वर मंदिर का अद्भुत नज़ारा। इस वर्ष बेलगाम शहर में गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों ने शानदार प्रदर्शन किया, वही घरेलू स्तर पर भी अच्छे दृश्यों का आविष्कार हुआ है। माधवार रोड में नाइक बंधु के घर पर कपिलेश्वर मंदिर का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें मंदिर की उत्कृष्ट नक्काशी पेंटिंग बेहद खूबसूरत है। सोमवार को विधायक अनिल बेनके ने घटनास्थल का दौरा किया और नाइक भाइयों ने और उनके परिवार को बधाई दी।
इस अवसर पर नाइक बंधुओं द्वारा अनिल बेनके को सम्मानित किया गया। प्रदीप नाइक, कुणाल नाइक, ऋतुराज नाइक, रेखा नाइक, वर्षा नाइक, इन्होंने कपिलेश्वर मंदिर की प्राकृतिक बनाने के लिए विशेष प्रयास किया। गणेश उत्सव के लिए बारिश में भी भक्तों का अपूर्व उत्साह। बेलगाम शहर और उसके आसपास बने गणेश उत्सव के आकर्षक दृश्यों को देखने के लिए गणेश भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जबकि घरेलू गणेश उत्सव समाप्त हो गया है, बड़ी संख्या में नागरिक बाहर आ रहे हैं, लेकिन कभी कभार होने वाली बारिश के कारण लोगों को नज़ारा देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भक्तों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं आई है। मंगलवार की रात गणेश भक्तों के उत्साह पर बारिश का पानी फिर गया, फिर भी गणेश के दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पिछले दो दिनों से चल रहे महाप्रसाद का लाभ लेने के लिए गणेश भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देर शाम तक मंडप में प्रसाद का वितरण किया गया और भक्तों को इसका लाभ लेते देखा गया। शहर के मध्य भाग में कई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की ओर से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त इसका अच्छा जवाब दे रहे हैं। इससे हलकों के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी मिला जुला है। शहर के कई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई है, साथ ही मंडपों का आकर्षण ढंग से सजाया और विद्युतकृत किया गया है ताकि देखने वालों की आंखें चमक उठे। देखने में आ रहा है कि भक्त इसका लुत्फ उठाने के लिए 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। विधायक अभय पाटिल की पहल से व्यायामशालाओं के लिए उपकरणों का वितरण। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के व्यायामशालाओं में विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है। दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है, इसलिए सभी आवश्यक सामग्री का वितरण अगले माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यह जानकारी विधायक अभय पाटिल ने दी। यह कार्य पिछले दो माह से बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किया गया है। इस विभाग में 75 व्यायाम विद्यालयों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक व्यायामशाला के लिए लगभग 7 से 10 लाख रुपए की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें से 40% काम पहले चरण में पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में 40% काम हो चुका है। यह भी बताया जाता है कि इस माह के अंत तक पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी, ऐसा विधायक अभय पाटिल ने बताया। और अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। गणेशोत्सव के 7वें दिन मंगलवार को शहर और आसपास के क्षेत्र में गणेश भक्तों ने परिवार गणेश बाप्पा को विदाई दी। गणपति बाप्पा को यह कहकर विदा किया गया, गणपति बाप्पा मोरिया अगले साल जल्दी आने की विनती की। कुछ संस्थानों और प्रतिष्ठानों की ओर से
गणेश बाप्पा का जुलूस के साथ विसर्जन भी किया गया। इस कारण श्री मूर्ति के नगर से बाहर जाते हुए दर्शन हुए। गणेशोत्सव की अवधि के दौरान प्रथागत प्रथाओं का पालन करते हुए सातवें दिन भगवान मूर्ति का विसर्जन विभिन्न स्थानों पर किया गया। नगर निगम के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री विसर्जन प्रणाली के लिए कुछ स्थानों पर कृत्रिम कुओं और टैंकों की व्यवस्था की गई थी, उसमें विसर्जन भी किया गया। रामेश्वर तीर्थ और शहर के अन्य श्री विसर्जन जिलों में रोशनी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की शिकायत की गई थी। इस संबंध में नागरिकों की शिकायत के बाद इस पर विचार किया गया। 9 तारीख को जब अनंत चतुर्दशी का आयोजन होने जा रहा है तो नागरिकों ने मांग की कि श्री विसर्जन के लिए उचित व्यवस्था की जाए। मुरुघा मठ में स्वामी के साथ पुलिस द्वारा निरीक्षण। नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण के मामले में पुलिस हिरासत में चल रहे मुरुघा मठ के महंत से अज्ञात स्थान पर पूछताछ की जा रही है। रविवार को उन्हें मठ में विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मठ में ले जाया गया। यौन शोषण के मामले में मठ परिसर का निरीक्षण किया गया। मठाधीश पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी लेने का प्रयास किया। हलगा गांव में जैन बंधुओं द्वारा जुलूस। जैन समुदाय के सदस्यों को एक साथ आना चाहिए और समुदाय का विकास करना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन सिद्धसेन मुनि महाराज ने हलगा गांव में प्रकट किया। यहां वे बस्ती गली में रविवार की सुबह सिद्धसेन मुनि महाराज और शांतिसेन मुनि महाराज द्वारा रिबन काटकर शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर जैन धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद जुलूस बस्ती गली, महावीर गली, पाटिल गली, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बस्ती, अरिहंत गिरी, धवल कीर्ति, भट्टारक, पट्टाचार्य स्वामी जी, पूर्व विधायक संजय पाटिल, राजू दोडन्नावर, धनु देसाई, संतोष कंगलगौड़ा, कुंतीनाथ कलमनी, देवेंद्र पाटिल ने दीप प्रज्वलन किया। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की पूजा की गई। धवल कीर्ति, भट्टारक, अरिहंत, गिरिधवल कीर्ति, सिद्धसेन मुनि महाराज, इन्होंने अपने विचार इस समय व्यक्त किए। क्षेत्र के जैन बंधु इस समय मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान। जिला संरक्षण मंत्री गोविंद कारजोल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में 75% महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत है, ऐसा विचार प्रकट किया। वे जिला प्रशासन की ओर से कुमार गंधर्व सभागार में सोमवार को शिक्षक के सहयोग से दिन का कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस समय शिक्षक मान्यता और पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी कलेक्टर नितेश पाटिल, SP दस्यप्पनावर, शिक्षा अधिकारी बसवराज नलवाड़ एवं अन्य उपस्थित थे। इस समय शिक्षक कल्याण विभाग वार 20 और जिला पंचायत की ओर से 20 शिक्षकों को आदर्श पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वागत शिक्षा विभाग के उपसंचालक बसवराज नलतवाड़ द्वारा किया गया। बेलगाम विभागीय शिक्षा अधिकारी YJ बजंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पैसेंजर ट्रेनों के लिए एक्सप्रेस टिकट की कीमत को लेकर नाराजगी। हालांकि बेलगाम मिरज रूट पर 6 यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन इन ट्रेनों से एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जा रहा है, जिससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ है। 27 अगस्त से बेलगाम मिरज रूट पर यात्रियों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। इसमें यात्री ट्रेनों में कैसरलॉक मिरज, हुबली मिरज और मिरज हुबली शामिल है। यूकि ये तीनों ट्रेन चल रही है। बेलगाम मिरज रूट पर कुल 6 यात्री ट्रेन दौड़ रही है। पिछले 2 वर्षों में जून 2022 से इन तीनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। 1 साल बाद एक्सप्रेस ट्रेनों को चरणों में शुरू किया गया। 2 साल बाद इन पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा शुरू किया गया है। पहले बेलगाम मिरज पैसेंजर टिकट की कीमत 40 रुपए थी, इसे बढ़ाकर अब 65 रुपए कर दी गई है। एक्सप्रेस ट्रेनों की टिकट की कीमत भी 65 रुपए है। टिकट की ये कीमतें चौंका देने वाली है। 25 रुपए की बढ़ोतरी से यात्रियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री और एक्सप्रेस का किराया समान कैसे है, ऐसा सवाल यात्रियों से पूछा जा रहा है। हत्तरगी में युवक की बेरहमी से हत्या। नेशनल हाईवे पर हत्तरगी में सर्विस रोड पर युवक की बेरहमी से हत्या हो गई। इस घटना का पता सोमवार की सुबह लगा। विनायक सोमशेखर होरकेरी, उम्र 27, यमकन मरडी, ऐसे मृत का नाम है। गांव के छह युवकों ने पुरानी रंजिश में हत्या की, ऐसी प्राथमिक जानकारी मिल रही है।
विनायक रविवार रात टोल बूथ के दूसरी तरफ काम से गया था। जब वहां से लौट रहे थे तो रात करीब 8 बजे हाईवे पर सर्वर रोड पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से वार कर दिया। सीने, सिर और हाथ में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि शनिवार को उसका जन्मदिन था और उसने अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाया था। पिछले साल वह हत्या के एक मामले में जेल गया था। मामला दर्ज किया गया है कि उसकी एक व्यक्ति को गांव की पिस्तौल से गोली मार दी और अब वो बाहर आया था। उसकी हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। यमकन मरड़ी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।